सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। मौसमी, देखिए बल प्रयोग भी किया गया, उसके बाद भी किसान तितर बितर नहीं हुए, आज स्थिति वहां पर क्या है, नियंत्रण में है या फिर एक बार फिर उसी संख्या में किसान दिखाई देने वाले? देखिए नेहा, कल जो दृश्य देखने को मिली, जो नज़ारे देखने तस्वीर देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी किसानों की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। इतनी भारी तादाद में जो भीड़ आई और सारी भीड़ सचिवालय मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंची, उसके बाद रात किसान नेताओं ने और किसानों ने सचिवालय के बाहर ही बिताई और आज जिस तरह से उनका मूड और मिजाज नजर आ रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक प्रशासन उनकी मांगे मान नहीं लेता। तो ऐसे में देखना होगा क्या बीच का रास्ता, क्या कोई मध्यस्थता का एक बार फिर से प्रयास प्रशासन करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल बगल में है और ऐसे में लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मायने से या यातायात के मायने से ये हमेशा खतरा रहता है कि वो अस्त व्यस्त ना हो। ऐसे में नेताओं का कहना है कि वो यहीं बैठे रहेंगे, प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बरती जा रही है, देखना है कि क्या फिर से बातचीत का दौर शुरू होता है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। करनाल में इस बेमियादी धरने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल लाठीचार्ज किया गया था और आज लाठीचार्ज के विरोध में एक बार फिर से धरना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में दरअसल किसान यहां पर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका धरना जारी रहेगा। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी यहां पर किसान मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बोर्ड्स के जरिए कहा जा रहा है कि तितर बितर हो जाएं, इकट्ठा ना हो, वरना बल प्रयोग करना पड़ सकता है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। अब देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज एक बार फिर से किसान धरना देने के लिए मौजूद हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं इस धरने में और ये कहा जा रहा है कि ये बेमियादी धरना है, इसकी कोई मियाद नहीं है। कब तक ये चलेगा इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, बल प्रयोग भी किया गया, इसके बावजूद किसान तस से मस नहीं हुए। और दूसरी तस्वीर में ये बेमियादी धरना, जिसके लिए करनाल ही नहीं इसके आसपास के कई इलाकों से किसान इस वक्त मौजूद हैं। कल ये धरना शुरू हुआ था और आज भी जारी है।